दोस्तों, इंसानों की एक गंदी आदत जरूर होती है जिसे आमतौर पर सभी जानते हैं। यही कि हम सामने वाले को अक्सर कमजोर समझने की भूल कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये आदत केवल हम इंसानों में ही नहीं है बल्कि जानवर भी इस आदत से बाज नहीं आते। तभी तो अधिकतर जानवरों को ये लगता है कि कछुआ केवल धीरे चलने वाला कमजोर जानवर है जो कि किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, और यही वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। और यदि आपको भी कछुओं की ताकत पर जरा सा भी शक है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको जंगल की दुनिया का वो सच दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों, जिस कछुए को अभी आप देख रहे हैं यह पानी के अंदर शिकार करने में बहुत ही ज्यादा माहिर है। इनके पास अपने शिकार को पकड़ने के लिए बहुत ही शानदार टेक्निक होती है। असल में इनके मुंह का एक हिस्सा बिल्कुल वर्म की तरह दिखाई देता है, जिसे देखकर मछलियां लालच में इस कछुए के मुंह की तरफ आगे बढ़ती है, और जैसे ही कोई मछली इसके जाल में फंस जाती है तो ये कछुआ तुरंत उसे अपना भोजन बना लेता है, और ऐसा करने से कछुए को बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब दोस्तों, हमें नहीं पता कि इस कछुए के दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन एक बात तो पक्की है कि ये जिंदगी से तंग आ चुका है, क्योंकि आप इसकी हिम्मत देख सकते हैं कि यह डायरेक्ट जंगल के राजा शेर से ही भिड़ने में लग गया। वो तो भला हो इस शेर का जिसने कछुए के ऊपर वार नहीं किया और इससे दूर हो गया, वरना एक बार शेर कायदे से दहाड़ भी देता तब भी इस कछुए की हालत खराब हो जाती। और यदि आपको अभी भी कछुए के खतरे का अंदाजा नहीं हुआ है तो जरा एक बार इस वीडियो पर नजर डालिए। यहाँ कछुए ने किसी और पर नहीं बल्कि सीधा मगरमच्छ पर वार किया है। वाकई में मानना पड़ेगा कि यह कछुआ बड़ा हिम्मत वाला था, क्योंकि आमतौर पर कछुए मगरमच्छ को नहीं बल्कि मगरमच्छ कछुए को अपना शिकार बनाते हैं। अब जरा यहाँ देखिए कि कैसे ये कछुआ चुपचाप इस कबूतर के पास आता है, लेकिन इस बेचारे कबूतर को तो यह अंदाजा भी नहीं था कि कछुआ उसे अपना शिकार बनाने के इरादे से आया है। तभी यह झट से कबूतर को अपने मुंह के अंदर दबाता है तथा पानी के अंदर लौट जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस छोटी सी चिड़िया की माँ इसके पास नहीं है, और इसी बात का फायदा उठाकर कछुआ धीरे धीरे इस चिड़िया का पीछा करता है। चिड़िया डर के मारे चीखती चिल्लाती है, लेकिन कछुआ अपनी पूरी तैयारी से आया था, जो इसकी माँ की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर इस छोटी सी चिड़िया को अपना भोजन बना लेता है। वैसे अगर हिम्मत की बात करें तो ये छोटा सा कछुआ भी कम नहीं है जो इस बड़ी ईगल को अपना शिकार बनाने के लिए आगे बढ़ रहा था। वो तो अच्छा है इस ईगल ने इस पर गौर नहीं किया, वरना कछुए का वार उल्टा पड़ जाता। दोस्तों, यहाँ पर तो ये छिपकली खुद अपनी कब्र खोदने के लिए कछुए के पास पहुँच गई, और जैसे ही कछुए को इस बात का अंदाजा हुआ उसने बिना कुछ देरी किए छिपकली पर जोरदार वार किया, और एक ही वार में छिपकली का दिमाग ठिकाने लग गया, क्योंकि अगर कछुआ चाहता तो इसे मार भी सकता था। दोस्तों, आमतौर पर तो बत्तख का शिकार करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस बार तो इस कछुए ने भी ठान रखी थी कि वो इसे अपना भोजन बनाए बगैर चैन नहीं लेगा। वैसे तो यह बत्तख अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन इस कछुए ने गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी थी, इसलिए यहाँ पर भी कछुए ने बत्तख पर वार किया, लेकिन कछुए का शिकार इस बत्तख का बच्चा बन गया और बेचारी माँ कुछ भी नहीं कर पाई। अब आप कछुए और कुत्ते के बीच होने वाली इस जंग को भी देख लीजिए, क्योंकि मामला काफी गंभीर था।
क्योंकि यहाँ इस कछुए ने डायरेक्ट इस कुत्ते की नाक को काट लिया, जिससे दर्द के मारे कुत्ता तेजी से पीछे कूद गया। कुत्ते के डर को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कछुए ने कितनी जोर से इसे काटा होगा। अब ये बात तो पक्की है कि कछुए के काटने के बाद यह कुत्ता अब किसी से भी पंगा लेने से पहले 100 बार सोचेगा। यहाँ पर जैसे ही इस कछुए को पानी के अंदर सांप दिखाई देता है, यह बिना कोई देरी किए उसे अपने दांतों से दबोच लेता है। वैसे दोस्तों, सांपों को पकड़ना कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, क्योंकि ये बहुत जहरीले होते हैं और पानी के अंदर इन्हें अपना शिकार बनाना और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन कछुए सालों से इस काम में माहिर होते हैं, तभी तो आप देखिए कैसे इस खतरनाक दिखने वाले सांप को इस कछुए ने बड़ी आसानी से अपना भोजन बना लिया। दोस्तों, ये क्लिप बहुत ही रेयर है और हम शर्त लगाकर कह सकते हैं कि आपने ऐसा पहले कुछ नहीं देखा होगा। यहाँ कछुआ किसी और को नहीं बल्कि एक बड़ी सी बत्तख को पैर से पकड़कर अपना शिकार बनाने में लगा हुआ है, जहाँ ये इस बड़ी सी बत्तख को पैर से पकड़कर पानी में नीचे खींचने की कोशिश करता है। और इस तरह की टेक्निक अक्सर कछुए अपने शिकार करने के टाइम पर प्रयोग करते हैं, ताकि इनका छोटा शरीर इन्हें बड़े साइज के जानवर का शिकार करने से न रोक पाए, क्योंकि ऐसा करने से कछुए अपने शिकार को अक्सर पानी में डुबोकर मार देते हैं और फिर उसे अपना भोजन बना लेते हैं। इस तरह कछुओं को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और उन्हें आसानी से शिकार भी मिल जाता है। अब ये एक और वीडियो देखिए जिसमें कछुआ अपनी चतुराई और जबड़ों की ताकत का इस्तेमाल करके मछली को अपने चंगुल में फंसाता है और फिर उसे अपना शिकार बना लेता है। वैसे इस नज़ारे को देखकर लगता है कि कछुए को कुछ ज्यादा ही भूख लगी होगी, तभी तो उसने अपनी औकात से ज्यादा बड़ी मछली का शिकार कर लिया और उसे पूरा खाए बिना नहीं छोड़ा। दोस्तों, जब अटैक करने की बारी आती है तो कछुए पूरी तरह अपने जबड़ों की ताकत का इस्तेमाल करते हैं और पूरी तरह उस पर निर्भर भी रहते हैं, क्योंकि इनका शरीर तो इतना फुर्तीला होता नहीं कि ये तेज भागकर अपने शिकार को पकड़ लेंगे। इन्हें तो बस अपने शिकार करने की स्किल के चलते शिकार के पास जाना है और फिर अपने जबड़े की ताकत से उसे अपना शिकार बनाना है। और इस बात का अंदाजा आपको हमारी दिखाई गई वीडियो क्लिप से लग गया होगा, जहां हर बार कछुए ने बिना ज्यादा मेहनत किए अपने जबड़े की ताकत से अपने शिकार को मारा है। लेकिन इनके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन्हें खतरनाक होने के लिए दांतों की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके जो जबड़े होते हैं वो इतने ताकतवर होते हैं कि यदि इनके दांत ना भी हो तब भी इनके जबड़ों में फंसने वाली चीज निकलकर बाहर नहीं जा पाती, फिर चाहे वो मछली हो, सांप हो या फिर बत्तख जैसे बड़े जानवर हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।